आप सबको जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में हम सब उपस्थित हुए हैं, तो प्रार्थना को पूरा जरूर सुनिएगा, लास्ट में आमीन जरूर बोलिएगा। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो हर एक जन को पिता परमेश्वर तो संभाल कर रखा, जीवित रखा है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। कितने तो होंगे पिता परमेश्वर जो आज की शाम नहीं देख पाए होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन तुम महान है पिता परमेश्वर, जो हम सबों को पिता परमेश्वर जीवित रखा, सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा से पिता परमेश्वर हर इंसान नई सुबह देखता है, तेरी इच्छा से हर एक इंसान शाम देखता है। हाँ पिता परमेश्वर, तो सच में महान है पिता परमेश्वर, जीवित करने वाला खुदा तू है, मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो हम सबों को संभाल कर रखा जीवित खुदा यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जबकि हर एक मसीह पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो रात को सोते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें नींद नहीं आती है पिता परमेश्वर, उन्हें डर लगता है, भय लगता है पिता परमेश्वर, वो घबराहट के मारे नहीं सो पाते हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में टेंशनें होती है पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य नाम से खुदावर यीशु मसीह, तेरा जलाली नाम से सारी बीमारियां, सारा टेंशन पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से दूर हो सके और वो आजाद हो सके, वो इंसान पिता परमेश्वर अपनी सारी बीमारियों से, सारी घटनाओं से पिता परमेश्वर वो आजाद हो सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो हर मसीह पिता परमेश्वर जो तुझको नहीं पहचानता है, नहीं जानता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी तू उस इंसान को चुन पिता परमेश्वर, और वो भी प्रभु जी तेरे वचन को जाने और तुझे पहचाने कि सच्चा परमेश्वर तू है, और प्रभु जी वो तेरे वचन को जाने पहचाने पिता परमेश्वर और तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर, वो भी एक अनंत काल का जीवन पा सके पिता परमेश्वर, अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर तू है। तूने हम पापियों के लिए पिता परमेश्वर सूली पे कुर्बान हुआ पिता परमेश्वर, हम पापियों के लिए पिता परमेश्वर तूने अपना पवित्र लहू बहाया है पिता परमेश्वर, तेरे लहू बहाने से, तेरे कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हम सबों के अपराधों को क्षमा मिली है पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू बहाने के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबको अनंत काल का जीवन मिला है पिता परमेश्वर। ऐसा कोई भगवान, ऐसा कोई प्रभु नहीं है जो हम पापियों के लिए अपना लहू बहाए, लेकिन सच्चा परमेश्वर तू है जो हमसे इतना प्रेम करता है कि हम पापियों के लिए तूने अपना पवित्र लहू बहाया है पिता परमेश्वर। एक पृथ्वी पर तू ही था जो तेरा पवित्र लहू बहा पिता परमेश्वर, तेरा ही एक पवित्र लहू है पिता परमेश्वर जो हम पापियों के लिए बहाया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है, क्योंकि सारा दिया हुआ, सारा सब कुछ दिया हुआ तेरा ही है यहोवा, जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है, हमेशा प्रभु को धन्यवाद ही दो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो हर एक लोग पिता परमेश्वर अपनी बीमारियों से जूझ रहे पिता परमेश्वर, शुगर से प्रभु जी, कैंसर से, ट्यूमर से पिता परमेश्वर, और भी कई तरीके की बीमारियां है पिता परमेश्वर उनसे जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी जहाँ जहाँ प्रभु जी उनके बीमारी या दर्द होता है पिता परमेश्वर अपना हाथ छू ले प्रभु जी, उन सबों को उनकी जगह पे छू ले पिता परमेश्वर, अपना पवित्र हाथ उसी जगह पे छू ले जहाँ उनके दर्द या प्रभु जी बीमारी है, ओ प्रभु जी ठीक हो सके, आजाद हो सके यीशु मसीह, तेरे नाम से वो आजाद हो सके पिता परमेश्वर, और तुझे पहचाने पिता परमेश्वर और तेरे पीछे चले, वो अपने पैरों पे खड़े होकर पिता परमेश्वर तेरे नाम की जयकार करे, तेरे नाम के झंडे खड़े करे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी रस्ते में आते हैं जाते हैं पिता परमेश्वर, उनके प्रभु जी रक्षा करना प्रभु जी, उनकी मदद करना पिता परमेश्वर, उन्हें किसी भी बात की पिता परमेश्वर घटी हो पिता परमेश्वर, तेरा जन्म लिखा है पिता परमेश्वर, जहाँ तेरे भक्त जाते हैं तेरे स्वर्गदूत उनके पीछे रहते हैं, उनके साथ रहते हैं सुरक्षा करने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर तुम महान है पिता परमेश्वर, बहुत कुछ तेरे वचनों में लिखा है पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी की बातें चल जाएंगी लेकिन तेरा वचन और तेरी बातें कभी नहीं चलेंगी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सीधा है पिता परमेश्वर, तेरा वचन के अनुसार जो चलेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा पिता परमेश्वर, वचन तू है, वचन ज्योति है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे मैं हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर,
हर एक रोग से पिता पुरुषर, हर टेंशन मुसीबत जे झूल रहे हैं पिता पुरुषर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता पुरुषर, हर एक मुसीबत जो झेलते हैं पिता पुरुषर, हॉस्पिटल में आज भी पड़े हैं पिता पुरुषर, अपनी बीमारियों के कारण पिता पुरुषर, आपके जलाली नाम से खुदा ने सुमसी, आपके समर्थन नाम से प्रभु जी उनकी बीमारियाँ ठीक हो सके पिता पुरुषर, उनकी बीमारियाँ ठीक हो सके और वो अपने आप को अच्छा महसूस कर सके पिता पुरुषर, और तुझे जाने तुझे पहचाने पिता पुरुषर, तेरे नाम के अनुसार चले पिता पुरुषर, सारी दुनिया सारा संसार पिता पुरुषर तुझे जाने पिता पुरुषर, और तेरे पीछे चले पिता पुरुषर, तेरे नाम का जय कार करे पिता पुरुषर। शांति देने वाला यहोवा तू है, तू ही हमारा प्रभु सबसे बड़ा खुदा है, तू ही हम पापियों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तो महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और बढ़ाई हो, प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई हो खुदा यीशु मसीह, क्योंकि तू महिमा करने के योग्य है पिता परमेश्वर, तारीफ करने के योग्य है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक मसीहों को पिता परमेश्वर बहुत आशीष और बहुत बुद्धि दे, उनके हर एक सहायता मदद को पूरी कर पिता परमेश्वर, हर एक मसीहों को पिता परमेश्वर तेरी आड़ में छिपाती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले छिपाती है खुदा यीशु मसीह, उसी तरह तू भी हर एक मसीहों को पिता पुरुषर अपनी आड़ में ले ले पिता पुरुषर, ताकि उन पर शैतान की छाया न पड़ने पाए पिता पुरुषर, और वो पवित्रता का जीवन जीने पाए पिता पुरुषर, वो पवित्र होकर तेरे पीछे चले पिता पुरुषर, पवित्र वो है जो तेरे सामने खड़े होने के योग्य है, तेरा ऊंचा गढ़ है पिता पुरुषर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने पवित्र स्वर्ग से मेरी प्रार्थना का उत्तर दे पिता पुरुषर, ये आज की रात तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह पवित्र नाम से।